टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या थंब ड्राइव आप काम में लेते होंगे डे टू डे बेसिस पे, और यहाँ पे दोस्तों इशू आता है ये कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कभी खो जाती हैं, कभी फिर लॉस्ट हो जाती है आपसे, और फिर यहाँ पे दोस्तों फिर वो रिसाइकल पीरियड आ जाता है जहाँ पे जाके दोस्तों आप फिर से ही नई चीज़ें खरीदते हो, मतलब कि एक नया पेन ड्राइव या फिर यूएसबी ड्राइव या फिर थंब ड्राइव। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें सेम ही है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले बेसिकली दोस्तों पेन ड्राइव के बारे में कि अगर आप एक नया पेन ड्राइव खरीद रहे हो तो कैसे डिसाइड करना है दोस्तों कि आप जो पेन ड्राइव खरीदने जा रहे हो वो बेस्ट है आपके लिए, और क्या डिफरेंस होता है अलग अलग टाइप के पेन ड्राइव में। बेसिकली देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडल्स नहीं होते हैं अलग अलग पेन ड्राइव के बीच में, मतलब कि हार्डली एक दो मॉडल होते हैं। फिर उसके बाद बात करें डिजाइन की, तो वो अलग अलग होते हैं, स्टोरेज अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक मॉडल की, तो यहाँ पे पेन ड्राइव फिर दो मॉडल में आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गैबी आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इसी पेन ड्राइव के बारे में। तो चलिए फिर करते हैं यहाँ पे दोस्तों सीधी बात, शून्य बकवास। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे पेन ड्राइव की, तो बेसिकली पेन ड्राइव यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आती है दो कैटेगरी में, और वो कैटेगरी डिफाइन होती है इसके स्पीड के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई पेन ड्राइव खरीदने जाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है सामने। मतलब वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे एक पेन ड्राइव रखा होता है, उसकी जो प्राइस होती है दोस्तों वो मान लो फॉर एग्जांपल वो 16 GB का पेन ड्राइव है, और उसका प्राइस जो होता है दोस्तों वो होता है 250 से 300 के बीच में, और वहाँ पे एक और पेन ड्राइव रखा होता है दोस्तों उसका जो प्राइस होता है वो 400 से 500 के बीच में। तो यहाँ पे बंदा ये सोचता है कि यार दोनों तो 16 GB की पेन ड्राइव है, दोनों ही 16 GB की है, दोनों दिखने में भी सेम है, तो फिर हम क्यों 500 रुपये लगाएं, क्यों नहीं हम 250 रुपये वाला पेन ड्राइव ले लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो होता है उसके मॉडल का। तो यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट पेन ड्राइव मॉडल के, और फिर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डिफरेंट डिफरेंट पेन ड्राइव के मॉडल्स को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधी बात है, बेसिकली पेन ड्राइव जो होता है वो कैटेगराइज होता है दो कैटेगरी में। पहली होती है USB 2.0, दूसरी होती है USB 3.0। तो देखिए हम बात करने वाले पहले USB 2.0 के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि USB 2.0 जो पेन ड्राइव होती है उसके अंदर जो स्पीड होती है दोस्तों वो मिलती है आपको 20 से 22 या 25 Mbps तक की। तो स्पीड क्या होती है बेसिकली कि जब भी आप अपने पेन ड्राइव को किसी डिवाइस में लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लैपटॉप से कोई डेटा कॉपी कर रहे हो या फिर लैपटॉप के अंदर डेटा कॉपी कर रहे हो, आप ऐसे कोई भी काम कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की वो होती है दोस्तों 20 से 25 Mbps के बीच में। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से 1.5 GB के बीच की मूवी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लगते हैं 3 से 5 मिनट तक एक मूवी को ट्रांसफर करने में। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें अब USB 3.0 की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पीड दोस्तों आपको मिलती है वो मिल जाती है आपको कम से कम 200 से 250 Mbps के बीच में। तो मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी मूवी ट्रांसफर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 GB के बीच में, तो यहाँ पे जो आपको टाइम लगने वाला है दोस्तों वो लगने वाला है 10 से 15 या फिर 30 सेकेंड मैक्सिमम। मतलब 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपकी जो मूवी है वो ट्रांसफर हो जाएगी इधर से उधर या उधर से इधर। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ है, अगर बात करें USB 2.0 की तो वहाँ पे एक मूवी को ट्रांसफर करने में आपको लगे दोस्तों 5 मिनट, वहीं पे बात करें USB 3.0 की तो यहाँ पे मूवी को ट्रांसफर करने में लगे दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। तो बेसिकली बात यह है दोस्तों कि पेन ड्राइव होती है एक छोटी सी चीज़, और उसका काम क्या होता है कि आप क्विकली कहीं से भी डेटा ट्रांसफर कर पाओ, या ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पे आप जल्दी से डेटा लेके आप अपने काम पे जा पाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपका पेन ड्राइव हो जाएगा स्लो, मतलब कि वो 30 सेकेंड की बजाय 5 मिनट लेगा, तो दोस्तों फिर ये बहुत ट्रैवल वाली बात होगी। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है जब भी आप पेन ड्राइव खरीदने जाते हो। उसके साथ ही अब बात करें तो दोस्तों कि आप कैसे पहचानोगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो USB 2.0 होता है दोस्तों USB 3.0 होता है दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, शेप एक जैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। तो आप किसी भी ब्रांड का पेन ड्राइव खरीदोगे तो वहाँ पे आप नोटिस करना कि अगर जो USB 2.0 है उसके अंदर जो दोस्तों चिप होती है, मतलब आगे का जो पॉइंट होता है जहाँ से आप प्लग करते हो USB को, उसके आगे जो 4 पिन होती है उसके नीचे एक प्लेट होती है प्लास्टिक की, तो वो जो प्लास्टिक की प्लेट होती है दोस्तों वो वहाँ पे होती है ब्लैक कलर की। तो वो आइडेंटिफिकेशन है USB 2.0 का, और वही आइडेंटिफिकेशन की बात करें अगर हम USB 3.0 में दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो प्लास्टिक की चिप होती है वो होती है दोस्तों ब्लू कलर की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वो प्लास्टिक चिप की बात करें तो देखिए वो होती है यहाँ पे, ये मैं पेन ड्राइव दिखा रहा हूँ, इसके आगे आप ये देख सकते हो प्लास्टिक चिप,
चिप है यहाँ पे, ये मेरा यूएसबी ड्राइव है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लास्टिक चिप है इसका कलर होता है बस चेंज, और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो यूएसबी 2.0 है या फिर वो यूएसबी 3.0 है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका अलग अलग पेन ड्राइव को डिस्टिंग्विश करने का। मतलब आप अगर कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं कि पेन ड्राइव को पता कैसे करते हैं, तो सिंपल सा तरीका है और ये मैंने बता दिया आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आगे आप जब भी पेन ड्राइव खरीदो तो बस आप वहाँ पे अच्छे से खरीदो, अच्छा डिसीजन लो, और आप इजीली समझ पाओगे अगर कोई आपको पागल बना रहा है, कोई फूल बना रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली में आपको क्या बेच रहा है और आपको एक्चुअली में क्या खरीदना है। और दोस्तों इसके साथ ही करते हैं हम इस वीडियो को खत्म, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है आपको इन दोनों अलग अलग मॉडल के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। उसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे देता है मोटिवेशन। आगे फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।